के बज रहे हैं 7:15 और अभी मैं उठा हूँ और फैन बंद, पंखा बंद कर दिया। पंखा खोलो यार। तो भाई अभी हम ड्रेस पहनेंगे और ड्रेस पहनने के बाद यानी कि अपने नए कपड़े, ईद के कपड़े पहनने के बाद लोगों से ईद मिलेंगे, लोगों से आपको मिलवाएंगे कि कौन कैसा है हमारी ज़िंदगी में और कौन कितना, कौन क्या है, क्यों है, और जिससे नहीं मिल रहे वो क्यों नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ईद है, ईद में सबसे मिलने चाहिए। ईद में हमारे को हर किसी बंदे से, मुसलमान जो जो आपके साथ नियत बांध के ईद की नमाज़ के लिए खड़ा हुआ है, आप उस तक से भी नमाज़ के बाद गले मिलें। ये हर मुसलमान भाई भाई का फ़र्ज़ है, जो कि आपने हर किसी को उसका फ़र्ज़ निभाना पड़े। बाकी ऑल द बेस्ट सबको। बड़े ढेर सारी सोच लेना यार, मेरे को इसके आगे कोई वर्ड्स याद नहीं आ रहे। अल्लाह पाक आप सबकी ईद अच्छी तरह गुजारे और बहुत अच्छी करे, और जो सफ़ेद पोश अल्लाह पाक उनके भी सारे तकलीफ़ें, सारी चीज़ें अल्लाह पाक उनके भी हल करे, जो बहुत तकलीफ़ों में झेल रहे हैं अल्लाह पाक उन सबको हल करे। आमीन सुम आमीन। और बस सबको खुशियाँ दे, सबको खुशियाँ दे। और बस बाकी आपसे मिलते वालेकुम हैं, रहमतुल्लाहि व तैयार होने बरकातुहू, हैं। और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने नए व्लॉग में, जो कि ईद उल फितर के मुताबिक है। और इसमें आपको इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि नमाज में कैसे किन किन चीज़ों में हमें बांधना पड़ता है ईद की नमाज़ में। अब वैसे तो अव्वल तो सारों को आती हुई, लेकिन कुछ कुछ गलतियां हर कोई कर देता है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, हो जाती हैं। अगर आप उस वक्त कान खोल के सुने मौजिन साहब की, मौलवी साहब की आवाज़, तो शायद ये आपसे गलती ना हो। फिलहाल अभी हम तैयार हैं, और तैयार होने के बाद मेरा लुक मैं आपको कैसे दिखाऊँ, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, चेक माय लुक। तो चलते हैं अपनी नमाज के लिए। नमाज का भी वक्त हो रहा है, नमाज का वक्त निकल ना जाए, लिहाजा पाबंदी, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, मैं ही हमेशा लेट होता हूँ, तो पाबंदी बरकरार रहे। टोपी पहनने साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले। अस्तग़फ़ुरुल्लाह, अस्तग़फ़ुरुल्लाह। इतनी यानी कि हो गई है बेइज्जती कि टोपी भी नहीं जच रही हमारे चेहरे पे। एक बार उठ रहा है, सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सही है, मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और बाकी मैं आपको वहां पर दिखाता रहूंगा। माशाल्लाह, हज कबूल हो तेरा, इतना खूबसूरत दिख रहा है तू, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो फिलहाल नमाज के लिए देर हो रही है। ओह माय गॉड, ऐसे रख वल्लाह, तारा कोशिश है। माशाल्लाह भाई, लुक एट दिस, लुक एट दिस। हमारी जो नमाज है वो बिल्कुल सामने होगी ग्राउंड के अंदर। ये देखो ये ना दूसरों के सहारे पे आया हुआ चादर, फरिश्ते बाकायदा नाम लेकर ऐलान करते हैं आपके घर से। ये दूसरों के सहारे चादरें मांग रहे थे, इसके बाद जान मार दी। फला अल्लाह को राजी कर चुका, फला बिन फला। और ना खुदा ना खास्ता आप जाएंगे यहाँ पर है, सबको पता है, यहाँ पे हर किसी को पता है कि क्या कुछ है और क्या नहीं है।
नसारा की वो सप्लाई लाइन तो काटने गए थे मुसलमान, यहूद और नसारा की सप्लाई लाइन उनकी मईशत, चूंकि उनका काफिला था जो जबरदस्त किस्म के माल और अशिया लेकर चल रहा था, जिसमें बहुत सारी चीजें थी जो उनकी मईशत को तकवीयत देता। मुसलमानों ने सोचा अल्लाह का हुक्म, तुम किस मुसलमान की बात करते हो, तुम किस जंग बदर की बात करते हो, तुम कहते हो अल्लाह फरिश्ते भेजते, तुम कहते हो अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, तुम कहते हो अल्लाह उमर जैसा हुक्मरान, अबू बकर जैसा हुक्मरान पैदा कर दे, तुम कहते हो अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा कर दे जो कि हमारे लिए। मेरे दोस्तों, तुमने खुद क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 को मैदान अमल में खड़ा किया है, लाइन लगाई है, सब बंदी की है, फिर अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ये 313 और ये 1000 का लश्कर। इस तरीके से इस्लाम सब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا معشر المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह हम सबको अपने दीन का दाई बना दें, अल्लाह दीन की दावत जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह इस अमल को अपनी मर्ज़ा में कबूल व मंज़ूर फरमाए, आलम इस्लाम की सेफ का है? अच्छा आगे जा रहे हैं वो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। नहा दोगे कैसा आया? ईद मुबारक। भाई यार ना आए, अबे 10 दिन से ना आए। सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। और जो मुसलमान भाई लोग अपने अपने मुल्क में अपने अपने शहर में ईद में ना मना रहे हैं, उनको फलस्तीनियों की का थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी अगर हम इतनी खुशी से ईद मना रहे हैं तो उनका भी हक है ऐसे ही ईद मनाने का। फिलहाल ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो गया भैया? तो दुबले दुबले लग रहे हो। तीन दिन से जाग रहे हैं, हमसे मिल लो। अस्सलामुअलैकुम। ईद मुबारक। पूरी वीडियो बन रही है। अभी कुछ भी नहीं, अभी सब लेने जाते। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। ईद हो गई सबसे सबसे ईद मिल रही है। ये रह गया वहां से देख रहा था। ईद मुबारक। आज के बाद तूने अगर कोई आवाज लगाई। अम्मा ईद मुबारक। भाई शूट कब होगा? आगे
आदमी ब्लॉग बना रहे हो, ये जाहिल लोग हैं, ये ब्लॉग बना रहे हैं। माशाल्लाह ये एहतिकाफ में क्या बैठ गया ये बाल, ये आपने एहतिकाफ के बाद ये बाल कैसे कटवाए? देखो सर पे टोपी यहूदी ने सारा के आपने करी, सर पे टोपी आती बालों का पता नहीं चलता। ओए ठीक फोटो खींचा, बाद निकालते हैं अब टाइम। ये देखो यहाँ, ये यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है। मैं बता रहा हूँ मेरी भी होनी चाहिए तस्वीरें यार। ये बस अब एक ही इंसान रहता है जिससे ईद मिलनी है, और वो है मेरे वालिद साहब, जिनसे ईद मिलने में मैं बड़ा घबराता हूँ। हकीकत है ये, क्योंकि मैं मुझे लाइफ में भाई मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं क्यों हिचकिचाहट होती है कि यार कैसे मिले। कसम से पूरे में तो फिर मैं नहा रहा होता इसमें। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा बिट्टो खुद सही से चिड़ी नहीं बना पाती, इनको देगी। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, और अभी हम जो हैं निकल पड़े हैं अपनी ईदी जमा करने के लिए खाला के घर, जो कि फ़िलहाल यूपी में है। ओ चलो ये तो म्यूट कर दूँगा, बाकी खाला के घर जा रहे हैं। लोगों का हो गया बुरा हाल, लेकिन वो बात है ना, आपके आपका फेस अच्छा हो तो बाल भी अच्छे लगते हैं। बाकी फिलहाल खाला के घर जा रहा हूँ ईदी जमा करने, वहाँ भी ईद मिलूँगा सबसे और आपको बताता चलूँगा कि कौन कितनी ईदी दे रहा है। ठीक है, ये खाला के घर चलेगा। लग रहा हो ना प्यारा, प्यारा लग रहा हूँ, कमेंट में बताना मेरे। ठीक है, अभी बाइक चला रहे हैं तो फिलहाल ज़्यादा दर्जी बाइक पे नहीं है, वरना तो आगे ना ट्रैफिक ऑफिसर खड़े होते हैं जो ऐसा चलान काटेंगे ना कि मेरे फूफा जी भी मेरे को से वो चलान से बाहर निकाल पाएंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? ये हमारे बावर्ची हैं, पकवान पकवान, ये इन्होंने पिछले बार भी क्या बना के खिलाया था, कीमा बना के खिलाया था अंडों का, तो कढ़ाई बनाई थी उन्होंने। और मेरी बात सुन लें, अभी ना फिलहाल पूरा चाहिए जायका नहीं हुआ ना तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ। पगार काट दूंगा ईदी के बाद, हाँ ईदी तो ये देंगे ना। ये हमारा हक होता है, समझ ये मत बोलो क्या होती है, ये हमारा हक है। फटाफट दे देना, बता रहा हूँ मैं, खाने के बाद ना पूरी ईदी चाहिए। हाँ खाने से पहले चाहिए, बल्कि मुझे तो बताओ ईद के बाद बंदों की ये हालत हो जाए। तू क्या देख रहा है? मैं चल काले खान भाई, फिलहाल अंधेरा बहुत हो गया भाई। फिलहाल तो अभी ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ मैं। ओहो बाल तो बड़े प्यारे बने हुए आ रहे हैं, मकराने वाले। ये इसने ईदी नहीं दी है, मुझसे बड़ा है। कान पता नहीं कहाँ से, कान में भी छोटा हूँ और बालों में भी छोटा हूँ। 36 महीने बड़ा है, 36 महीने की कम से कम एक महीने की 10 रुपए के हिसाब से 360 रुपए तो दे देता, 360 रुपए भी दे सकता क्या? लाल भाई ईद वगैरह मिल रही है, ले जाए नहीं पटक की जाए, नहीं पटक पटक के ले जाए। तो अभी रमजान बावली शैतान मर्दूद, ये भी तो दंडनाते हुए घूम रहे थे फिलहाल भाई। एंड हो रहा है तो बेसिकली सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। और हाँ ये क्या हो रहा है यार, न्यूज़ चला रहा हूँ मैं, और अभी एंड कर रहा हूँ मैं ब्लॉग को।
और बाकी अल्लाह पाक आप सबको अच्छी गुजारे और ऐसे सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।